इल्म हासिल करना, नॉलेज हासिल करना। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस्लाम ने सारे बेनिफिशियल नॉलेज, नफे वाला इल्म को एनकरेजेबल इल्म बताया है, जिसके हासिल करने को बेहतर बताया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये दुआ भी सिखाई और ये हुक्म भी दिया। हमें सुनन इब्न माजा में सही सनद से हदीस मिलती है, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि अल्लाह से दुआ करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया, अल्लाह मैं तुझसे मांगता हूं नफा देने वाला इल्म, बेनिफिशियल नॉलेज। नफा देने वाला इल्म जो होता है सब हमारा है, चाहे मैनेजमेंट का इल्म हो, चाहे मेडिसिन का इल्म हो, चाहे टेक्नोलॉजी का इल्म हो, इंजीनियरिंग का इल्म हो, चाहे कोई हुनर हो, कोई फन हो, चाहे कोई चीज हो, सारा जो बेनिफिशियल इल्म होता है वो सब हमारा है। ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा नफे वाला इल्म तो आखिरत का इल्म है, क्योंकि किसी को अगर आखिरत के ताल्लुक से अपनी जिंदगी के मकसद को नहीं जानता तो हम कहते हैं ये इंसान जाहिल है, इग्नोरेंट है। सबसे फायदेमंद इल्म वो इल्म है जो उसे आखिरत में काम आएगा, लेकिन सारा बेनिफिशियल इल्म हमारा है। कोई ऐसा इल्म भी होता है जो बेनिफिशियल नहीं होता, जैसे मिसाल के तौर पे जादू का इल्म, ये क्या है, नुकसानदेह इल्म है, ये सीखना भी कुफ्र होता है। लेकिन नॉर्मली सारी नफे वाला इल्म जो है वो हमारा इल्म है, उसके ताल्लुक से हम ये नहीं करेंगे जैसे लोग डिवाइड कर देते हैं, ये दीनी इल्म है, ये सब दीनी इल्म नहीं है। नहीं, ये सब हमारे लिए है, अल्लाह ताला ने हमें ये सब चीज हासिल करने इनकरेज किया है।